अध्याय चार द्विघात समीकरण। आज हम द्विघात समीकरण का जो है पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इसके पहले अपन ने पार्ट वन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 14 तक अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 15 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। अगर इसके पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी हो तो सबसे पहले इसके पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो आप उनको कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पेज पे उसकी फोटो भेज सकते हैं, तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। टेलीग्राम की जो लिंक है, टेलीग्राम पेज की ग्रुप की जो लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है द्विघात समीकरण। क्वेश्चन नंबर 15 है द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 के मूल अपने को ज्ञात करना है। के मूल क्या क्या होंगे अपने को ज्ञात करना है। तो देखो, ये दिया गया समीकरण है 2x² - 7x + 3 = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, जब अपन इसकी तुलना इससे करेंगे, इसके मानक समीकरण से करेंगे, तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 2 आ जाएगा। b बराबर देखें तो b बराबर क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा, और c बराबर देखें तो +3 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन श्रीधराचार्य वाला सूत्र लगा देते हैं। क्या x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac / 2। तो x बराबर क्या जाएगा, माइनस बी मतलब ये माइनस, और माइनस बी मतलब माइनस का ये 7, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब -7² - 4 इंटू ए का मान 2 इंटू सी का मान कितना 3 अपॉन 2a, 2 इंटू ए का मान 2। आगे चलते हैं, तो x बराबर कितना जाएगा, ये तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का अंदर गुणा होगा, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ये कितना हो जाएगा, प्लस का 49 हो जाएगा, -7 = 12 और 12 दूनी कितना 24 / 4 हो जाएगा। आगे चले तो x बराबर कितना जाएगा, 7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा, 25 बचेगा / 4। आगे चलते हैं, तो x बराबर क्या जाएगा, x बराबर प्लस का 7 तो वैसे का भी सही, प्लस माइनस इस अंडर रूट 25 को जब बाहर निकालेंगे तो बाहर क्या निकलेगा, केवल 5 निकलेगा बटे 4। एक बार क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर क्या आएगा, 7 यहाँ पे अपन केवल प्लस साइन ले रहे हैं, इसका मतलब 7 + 5/4, तो x बराबर 7 × 3 = 12 / 4, तो x बराबर कितना जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक, आगे लेते हैं, एक बार अपन क्या ले लें, माइनस चिन्ह, तो माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर 7 × 5/4, तो x बराबर कितना 2/4, इसका मतलब x बराबर कितना आएगा, 1/2। ठीक, 2 से 4 को काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बार x का मान तीन आ गया, x बराबर 1/2 आ गया। तो द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या हो जाएंगे, लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूल 3 और 1/2 है, 3 और 1/2 है, लिख लो इसको। द्विघात समीकरण के दो मूल आ गए, एक आ गया अपना 3 और 1 आ गया 1/2, आराम से लिख लो इसको, वीडियो को पॉज करो और आराम से इसको लिख लो। नहीं समझ में आया तो बिल्कुल कमेंट कर देना, आपको फिर से इसका सलूशन मिल जाएगा। या किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, या फिर टेलीग्राम पेज पे क्वेश्चन भेज देना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करें। इसमें भी मूल ज्ञात करना लिखा है y + 1/y = 3। तो अपन इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं समीकरण को,
देखो y का इधर एलसीएम होके गुणा हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई इक्वल टू थ्री। इस y का इधर गुणा कर दे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस वन बराबर थ्री वाई। इस थ्री वाई का अपन इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस का थ्री वाई प्लस वन बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। अब क्या लिखें, वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई प्लस वन बराबर जीरो की तुलना ए वाई स्क्वायर प्लस वी बी वाई प्लस सी बराबर जीरो से करने पर। तो ए बराबर क्या आएगा, ए बराबर तो बना जाएगा क्योंकि ए वाई से वाई कट जाएगा, तो ए बराबर प्लस का वन बचेगा। बी बराबर देखें तो बी बराबर माइनस का तीन आएगा, और सी बराबर कितना आएगा, प्लस का वन आएगा। अब क्या करें, अपन वही फार्मूला लगा दें, एक्स बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में कितना, टू ए। ठीक, यही होता है। तो एक्स बराबर माइनस बी मतलब माइनस, और ये माइनस का थ्री, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस तीन का स्क्वायर, माइनस फोर इंटू ए का मान वन इंटू सी का मान वन अपॉन टू इंटू ए का मान कितना, वन। आगे चलते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर ये तो प्लस का थ्री हो जाना है क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो प्लस का थ्री हो जाएगा, थ्री प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस तीन का स्क्वायर कितना, प्लस का नौ, माइनस फोर ए सी तो चार आ जाएगा, माइनस का चार आ जाएगा अपॉन टू इंटू ए का मान कितना, वन, तो टू इंटू वन, तो x बराबर कितना, थ्री प्लस माइनस अंडर रूट फाइव अपॉन टू। ठीक, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, इसको तो सॉल्व करने से कोई मतलब ही नहीं, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले लो, तो एक्स बराबर कितना, थ्री प्लस अंडर रूट फाइव बाय टू, एक बार माइनस से साइन ले लेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, थ्री माइनस अंडर रूट फाइव बाय टू। लिख देते हैं, द्विघात समीकरण के मूल जो है वो थ्री प्लस अंडर रूट फाइव बाय टू और थ्री माइनस अंडर रूट फाइव बाय टू। लिख लो इसको, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर सत्रह लिखा है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 17 है तथा उनका गुणनफल 72 है। तो अपन मान लेते हैं दो संख्याएं, मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योग, दोनों का योग कितना, 17, और पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों का गुणा है 72। ठीक, ये क्वेश्चन अपने को देके रखा है। अब अपन मान लेते हैं, माना पहली संख्या x है, जब पहली संख्या x है तो x प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना, 17, तो दूसरी संख्या का मैं मान निकालूं तो कितना जाएगा, दूसरी संख्या बराबर कितनी आ जाएगी, 17 माइनस एक्स, इस एक्स का इधर पक्षांतर हो गया तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, 17 माइनस एक्स। ये तो अपने को यहीं तक अपन ने कुछ नहीं किया। अब आगे देखो, पहली संख्या कौन सी अपन ने मानी थी, एक्स, गुणा दूसरी संख्या कौन सी निकाली अपन ने, 17 माइनस एक्स, इन दोनों का गुणा कितना देख रखा है क्वेश्चन ने, 72, 72। आगे इसको हल कर लेते, ये कितना हो जाएगा, 17x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 72। इसको, इस एक्स स्क्वायर को अपन धनात्मक बना लेते हैं,
तो क्या करते हैं पूरे को इधर ले जाते हैं, तो क्या बचेगा प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 17x और प्लस का 72 बराबर 0। ठीक, आगे चलते हैं। तो क्या करें आप, विविक्तकर वाला सूत्र, मतलब वो श्रीधराचार्य वाला सूत्र लगा के इसको हल कर लेते हैं, या फिर इसके गुणनखंड करें तो किसमें टूटेगा ये विविक्तकर वाला अपन सूत्र लगा देते हैं अपन, तो या फिर टूट रहा के 9 और 8 में टूट जाएगा ये। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 8x प्लस 72 बराबर 0। 9 9 8 72, 72 x स्क्वायर हो जाएगा धनात्मक का, दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या होगा माइनस का 17 आ जाएगा। दोनों में से कॉमन क्या आएगा x, दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 9, इधर भी क्या बचेगा x माइनस 9 बराबर 0। इस माइनस 9 का भाग देंगे किसमें, प्लस के 72 में, तो कॉमन क्या आएगा माइनस का 8, तो बचेगा क्या x माइनस 9 और एक बार क्या बचेगा x माइनस 8 बराबर 0। तो x बराबर कितना जाएगा 9 और एक बार x बराबर कितना जाएगा 8। तो पहली संख्या x मानी थी तो x का मान तो आ गया 9 और 8। अब अपने को ज्ञात क्या करना था इसमें, तो दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो वो दोनों संख्या कौन सी होगी 8 और एक 9, लिख लो। तो हाँ, दो संख्याएं 8 और 9, ठीक, लिख लो इसको। क्योंकि दूसरी संख्या में रखेंगे तब भी अपने कितना आएगा 8 और 9 हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 363 हो। तो अपन मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अपन ऐसा मान लेते हैं कि माना दो धनात्मक जो पूर्णांक है वो पहला x और x प्लस 1 है। x और x प्लस 1 अपन ने इसलिए माना है क्योंकि क्वेश्चन में अपने से पूछा था कि क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है एक क्रम से, तो पहला अपन ने x मान लिया, दूसरा x प्लस 1 मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार बोला था, क्वेश्चन ने अपने को बोला है प्रश्नानुसार कि दोनों का योग कर, दोनों का वर्ग कर दो, तो x का भी वर्ग कर दिया और x प्लस 1 का भी वर्ग कर दिया। दोनों को ये वर्गों का योग मतलब दोनों को जोड़ दो तो उनका योग है वो 365 के बराबर आएगा, ये क्वेश्चन ने अपने को कह के रखा है तो अपन ने लिख दिया। आगे देखो तो x का वर्ग तो वैसा का वैसे हो जाएगा, ये प्लस साइन वैसा का वैसा, इसको देखें तो a प्लस बी का पूर्ण वर्ग का वाली सर्वसमिका लग जाना है, तो क्या हो जाएगी ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान कितना x इंटू बी का मान कितना 1 प्लस बी का वर्ग मतलब 1 का वर्ग बराबर कितना 365। आगे देखें तो ये और ये जुड़ जाके क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस इनका गुणा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस 1 का वर्ग 1 और इस 365 को भी अपन इधर ले आए तो कितना हो जाएगा 365 किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो आगे देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का कितना 364 हो जाएगा क्योंकि 1 घट जाएगा बराबर कितना 0। अगर ध्यान से देखें इस सर्वसमिका को तो पूरी सर्वसमिका में 2 का भाग चला जाना है, तो पूरी सर्वसमिका में अपन 2 का भाग दे देते हैं तो क्या बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 2 4। आगे चलते हैं इसको तोड़ लेते हैं तो कैसे टूटेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस के 14x और माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, क्योंकि
जोड़ या घटाने पे प्लस का एक्स आना चाहिए तो प्लस का एक्स आ रहा है, गुणा करने पे माइनस का 182x² आना चाहिए तो इन दोनों का गुणा करने पे 180 माइनस का 182x² आ रहा है। आगे देखिए, x दोनों जगह से कॉमन ना जा तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस 14। यहाँ पे भी कितना बचेगा, एक्स प्लस 14 इक्वल टू कितना, 0। इस प्लस के 14 का भाग देंगे माइनस 182 में तो बाहर कितना बचेगा, माइनस का 1 मतलब बाहर बचेगा 13। तो x प्लस 14 दोनों के पास है तो एक बार कॉमन आ गया, x प्लस 14 बचा क्या, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक बार हम क्या करेंगे, x प्लस 14 इक्वल टू 0 कर देंगे, x बराबर एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0 कर देंगे तो x बराबर एक बार आ जाएगा माइनस का 14 और एक बार x बराबर कितना जाएगा, प्लस का 14। तो हम इस माइनस के 14 वाले x को तो नहीं लेंगे क्योंकि अपन को क्वेश्चन में दो धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेना था, इसलिए अपन x बराबर माइनस 14 को नहीं लेंगे। तो x का मान कितना आ गया, 13। तो पहला पूर्णांक क्या आ गया, 13 लिख देता हूं। पहला पूर्णांक क्या माना था अपन ने, पहला पूर्णांक x और x का मान कितना आ गया, 13। इसी प्रकार अगर मैं दूसरे पूर्णांक की बात करूं तो दूसरा पूर्णांक क्या आ जाना है, x प्लस 1। तो x प्लस 1, x का मान कितना, 13। तो 13 प्लस 1 बराबर 14। एक ये आ गया, ये आ गया। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 है। लिख लो इसको आराम से। वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लेना, मैं अगला क्वेश्चन बता देता हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है कि दो ऐसे क्रमागत सम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 244 हो। तो अपन मान लेते हैं, माना दो क्रमागत धन सम पूर्णांक 2x और 2x प्लस 2 है। 2x इसलिए माना कि क्योंकि किसी भी संख्या में अपन 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक सम संख्या है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने x का मान 1 रखा तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा गुणा करने पे, मतलब धन सम पूर्णांक आ जाएगा क्रमागत। अपन ने यहाँ 2 इसलिए जोड़ा है क्योंकि 2 गुणा 1 करेंगे तो कितना, 2 प्लस 2 4। इसी प्रकार आगे भी रखते रहेंगे तो अपने को धनात्मक सम पूर्णांक प्राप्त होंगे। अब प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन ने बोला है, प्रश्नानुसार क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों का वर्ग कर दो, तो 2x² और 2x प्लस 2 का स्क्वायर कर दिया। दोनों का योग किसके बराबर है, 244 के बराबर है। आगे चलते हैं, तो 2x² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमिका लग जाएगी, क्या होती है, ए स्क्वायर मतलब 2x² प्लस 2ab, 2a का मान 2x, b का मान 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बराबर कितना, 244। आगे चलते हैं, 4x² प्लस ये भी कितना हो जाएगा, 4x² हो जाना है क्योंकि 2x² का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x² हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा, 2 दुनी 4, 4 दुनी 8x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, और इसको अपन इधर ले आए तो माइनस का 244 इक्वल टू कितना, 0। ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएंगे, 8x² हो जाएंगे प्लस 8x, और ये माइनस का कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा बराबर 0। अगर इस समीकरण को अपन ध्यान से देखें तो पूरे समीकरण में 8 का भाग चला जाएगा, तो पूरे समीकरण में जब 8 का भाग दे देंगे तो बचेगा क्या, केवल बचेगा x² प्लस x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब दो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा करने पे तो माइनस का 30x² प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पे प्लस का x प्राप्त हो, तो कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, एक तो जाएगी x²
प्लस का 6x माइनस का 5x माइनस 30 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x प्लस 6, यहाँ पे बचेगा कितना x प्लस 6। इस प्लस के 6 से अपन माइनस के 30 को भाग देंगे तो बाहर कितना बचेगा माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 6 दोनों जगह से कॉमन आ गया, बचा क्या x माइनस 5 इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 6 इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार x माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे। तो एक बार x बराबर कितना जाएगा माइनस का 6, क्योंकि इसका तो पक्षांतर हो जाएगा। इसी प्रकार एक बार x बराबर कितना जाएगा प्लस का 5। तो x बराबर माइनस 6 को तो अपन ले नहीं सकते, क्योंकि धन संपूर्णांक चाहिए, तो x बराबर माइनस 6 को तो अपन ले नहीं सकते। तो x बराबर क्या लेंगे, 5 लेंगे। तो पहला पूर्णांक क्या माना था अपन ने, पहला सम पूर्णांक अपन ने क्या माना था, 2x माना था। x का मान कितना रखा, 5 रखा अपन ने, यहां 5 निकाला तो x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। दूसरा सम पूर्णांक, तो दूसरा सम पूर्णांक क्या आ जाएगा, दूसरा सम पूर्णांक अपन ने माना 2x प्लस 2, तो 2x का मान कितना 5 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 2, तो कितना जाएगा 12। तो दो क्रमागत धन सम पूर्णांक 10 और 12 है, ठीक लिख लो। वीडियो को पॉज करना और आराम से लिख लेना, थोड़ा सा हेड देता हूँ। वीडियो को पॉज करना और आराम से लिख लो, मैं अगला क्वेश्चन बता देता हूँ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 को अभी थोड़ी देर के लिए रोक के रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 21 अपन ने पहले कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 21 अपन ने क्वेश्चन नंबर जो 12 किया था और क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो सेम टू सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेना, अपन ने इसके पहले वाले पार्ट में कंप्लीट किया था, तो सेम क्वेश्चन है। इसके बाद में बात करूं क्वेश्चन नंबर 22 का, तो लिखा है सूत्र विधि से वर्ग 2x² - 7x + 3 = 0 के मूल ज्ञात की। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 15। अभी इसी पार्ट में अपन ने किया है क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पहला क्वेश्चन ये किया है क्वेश्चन नंबर 15, तो उसको देख लेना, सेम क्वेश्चन वही लिखा हुआ है। अब मैं बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है x² + 5x + 6 = 0 के मूल सूत्र विधि से ज्ञात करना है। तो इस समीकरण की अपन तुलना कर लेते हैं पहले x² + 5x + 6 = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर अपन तुलना कर लेते हैं, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर प्लस का 1 आ जाएगा, b बराबर प्लस का 5 आ जाने और c बराबर कितना 6, क्योंकि x से x कट जाएगा तो बचेगा 1। इसी प्रकार ये x से ये x कट जाएगा तो b का मान 5 और c का मान 6। आगे अपन फार्मूला लगा देते हैं, तो फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, x = -b + -√b² - 4ac/2a, तो x बराबर कितना माइनस बी मतलब माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान कितना 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का मान कितना 1। आगे चलते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना 25 माइनस 24 बटे 2। तो x बराबर कितना माइनस का 5 प्लस माइनस 25 में से 24 जाएगा, बचेगा अंडर रूट में प्लस का 1 बटे 2।
तो एक्स बराबर कितना जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस 1 बाय 2, क्योंकि रूट के अंदर 1 लिखा है इसका मतलब वो बाहर भी 1 ही आना है, ठीक, माइनस का 5। एक बार हम क्या करेंगे, धन चिन्ह ले लेंगे, धन चिन्ह लेने पर एक बार धन चिन्ह लेंगे तो एक्स बराबर कितना जाएगा माइनस 5 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2, तो एक्स बराबर माइनस 4 बाय 2, तो एक्स बराबर कितना जाएगा माइनस का। एक बार हम ऋण चिन्ह लेंगे थे तो ऋण चिन्ह लेने पर ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर कितना जाएगा माइनस 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो x बराबर कितना माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 2, तो x बराबर कितना माइनस का 3, ठीक। अपने को इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना था, तो द्विघात लिखेंगे समीकरण के मूल जो है वो माइनस 2 और माइनस 3 है, लिख लो आराम से लिख लो। तो इस वीडियो को अपन यहीं पे रखते हैं, मतलब पार्ट जो अपना सेकंड चल रहा था इसको यहीं पे रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन जो आगे के क्वेश्चन है अपन अगले पार्ट पार्ट थर्ड में कंप्लीट करेंगे। इसके पहले वाले पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो सबसे पहले इसके पहले वाले पार्ट को जरूर देख लेना। इसके बाद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई सा क्वेश्चन आपको समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना या फिर टेलीग्राम जो ग्रुप बना हुआ है उस पे क्वेश्चन पोस्ट कर देना, तो आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। टेलीग्राम का ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।